आज हम बात करेंगे जतिन दास हंगर स्ट्राइक के बारे में। जब जेपी सांडर्स के मर्डर में कई यंग रेवोल्यूशनरीज को ब्रिटिशर्स द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है तो रेवोल्यूशनरीज लाहौर जेल में हंगर स्ट्राइक पर आ जाते हैं बिकॉज उनके साथ वहां सही बर्ताव नहीं किया जा रहा होता एंड दे वांटेड टू बी ट्रीटेड एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड आस्क फॉर बेटर हाइजीनिक कंडीशन। इसके चलते जतिन दास द्वारा ये स्ट्राइक 63 डेज तक चलाई जाती है। ड्यूरिंग हंगर स्ट्राइक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो जेल अथॉरिटीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को जतिन को बेल देने के लिए कहती है बट ये बेल रिक्वेस्ट ब्रिटिशर्स द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। देन ऑन 63rd डे 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की डेथ हो जाती है जिसके चलते पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं और इस इवेंट के बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जतिन दास को शहीद की उपाधि दी जाती है।